हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज की जय हो। महाराज जी सरकार की जय हो। महाराज जी आए यहाँ आए हुए हैं। कौन आए हुए? ओ नहीं आपके ओ आपके ओ कौन आपके जीजा जी। हाँ जिंजा पागल हो गए हो तो। महाराज माई कसम आए यहाँ। अरे तो बेवकूफ हो आएंगे तो सीधा महल में आएंगे। ओ, ओ आपके मानने मैं सब कुछ समझ रहा हूँ लेकिन उनको कुएं पर आने की क्या हो सकता है। आया उन्हें महल में आना चाहिए। आया आए हैं तो कहाँ है? नोइबा आपके बहनोई कहाँ है? वीर उदल कहाँ पर? बगीचे में बैठे हैं सरकार। बगीचे में बैठे हुए हैं और बिल्कुल और नंगे पाव आए हुए हैं महाराज। ऐसे मुसीबत में हैं। क्या भक्ति हो मालूम? हाँ महाराज मैं सच कह रही हूँ। सरकार आप सोच की बात यही है ना तो बेदुला घोल है ना तेग ना तलवार है ना राजसी पोशाक है नंगे पाँव ना तन पे कोई वस्त्र है। सरकार आके बैठे हैं बगीचे में। हाँ महाराज ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि वो जब आएंगे बेदुल घोड़ पे सवार तेग तलवार और जिधर से निकलेंगे तरफ धूल उड़ती हुई नजर आएगी। हाँ महाराज लेकिन मैं आपसे सच कह रही हूँ महाराज। सरकार अगर सच्ची बात नहीं निकली ये बात अगर झूठी निकली दोनों को फांसी की सजा। गाजन का दे सरकार बगीचे में बैठे हैं जल्दी चलिए सरकार। चलो आओ मेरे साथ। ना वही है। और सुनाओ हमको सभी अपनी हकीकत उदल। तुम लोग जाओ ठीक है। सुनाओ हमको सभी अपनी हकीकत उदल। और एक बैक आ गई क्या ऐसी मुसीबत। गिराते हो चश्मे से आंसू दर्द क्यों हो रही ये चांद सी सूरत। क्या बात है क्यों इस पोजीशन में आए हो? और सुनाऊं तुमको क्या अपना हाल मत रंग। चला फूलवा का लेके दिल्ली
को गया है मलाल मकरंदी। जंग मैंने भी किया तो क्या हुआ, पर न पैसे एक पाई और छिन गया घोर मेरा तेग ढाल मकरंदी। भाग आया नर वल को घेरे उदल को मुसीबत का जाल मकरंदी। तो तुम्हें धिक्कार है सोभार है ताजू मुझको और कहां चली गई थी आपकी ताकत। बदनाम किया बुझ दिले कायर निकले आए हो मुझको दिखाने को ये सूरत आए हो। मछला फुलवा का को लाऊ का जाके दिल्ली से और हंस बरपा करू खजर की बदौलत उदल। देखे आप ठीक कह रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन इंसान नहीं बलवान होता, समय बलवान होती है महाराज। तो चलता होने से चारा किसी का नहीं, होने के चक्र बसी रण धीरे से गोपियां बल में लूटी थी भीलो मजा जब वही हाथ गंदी बे तो साथ मेरे चलो वीर उदर धवल जंगी रण रंगी सेना सजाऊ गमे चढ़ के दिल्ली पे दिल्ली पति से सुनो सारे गिन गिन के बदले जुटाऊ। हीरिया मालिन इनको ले चलो महल में, चला हो नंदोई पानी उनी पी ले। कहां छुआ दिया औली जाती है हुआ चल हाय नंदोई लिंदोई लिंदोई करती है हुआ। ठीक है मालिन चलो जल भरो स्नान कर। ठीक है यही महाराज। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है जो उदल आकर बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। मोहब्बे में इतने बुजदिल लोग नहीं है कि मसला फुलवा का डोला पृथ्वीराज लेके चले जाए परमाल का कत्ल कर दे। ये मकरंदी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं बचपन से दुर्गे माँ की पूजा करता हूँ, चल रहा हूँ दुर्गे माँ को प्रकट करूँगा और उनसे पूछूंगा कि ये कैसे यहाँ आए, क्या बात है, सब दुर्गे माँ मुझे बता दी। बिल्कुल। अर कर दो हमारा कल्याण हो ऐ दुर्गे मैया, कर दो तुमको पुकारा हो, सुना है मैया जिसने तुमको पुकारा दिया है मैया तुमने उसको सहारा दिया है मैया तूने उसका सहारा। कर दो मेरा कल्याण हो ऐ दुर्गे मैया, कर दो मेरा कल्याण हो ऐ दुर्गे मैया। माँ मैं बचपन से आपकी पूजा करता हूँ, आज मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट पड़ा है माँ, मेरे संकट को निवारण के लिए तुम प्रकट हो जाओ माँ।
बड़ा दुर्गे मैया की। महाराज मखराज, आज मैं तुम्हारे पूजा से अति प्रसन्न हूँ, और जो कुछ मांगना चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। धन्य हो दुर्गे माँ, धन्य हो माँ। मुझे ये बताओ कि उदल हमारे पास आए हुए हैं और जो भी कुछ कह रहे हैं, क्या ये बातें सत्य है? महाराज मक्कन, जीवन भर तुमने मेरी सेवा की है, आज हम तुम्हारे इस मुसीबत में सहारा दूंगी। ये बात क्या है मैं सच बताऊंगी। बताओ माँ, सत्य इसमें क्या है? सत्य तो ये है कि उदल, मछला, इंदल, माहिल और ये चाचा तलसी, ये सब कोई बिठूर स्नान करने गए थे। तो क्या हुआ? बिठूर स्नान करने गए, एक नौका पर ये थे, एक नौका पर बलक बुखारे, अभिनंदन की पुत्री चित्रेखा नटनियों के रूप में वो इसी नौका पे जा रही थी। उसके और क्या हुआ माँ? इंदल को देख करके मोहित हुई, तो नटनियों का रूप धर करके हर डेरों में कला करने लगी जा करके। और इंदल को देख कर जब मोहित हुई, तो चित्रेखा ने जादू से इंदल को तोता बना करके और वो बलक बुखारे लाई। उदल तोता बनाकर बलक बुखारे लेकर चली गई, और दिन में उसे तोता बनाए रखती है, रात में मनुष्य कर देती है। उसके लेकिन जब इंदल गायब हो गया, मछला, ताला, उदल सब बहुत परेशान हुए, और गंगा तट से वापस नहीं आ रहे थे। माहिल मामा ने कसम खाकर विश्वास दिलाकर उदल को महोबे लाए। और जब बगीचे में उदल रुक गए, माहिल आल्हा के पास जा कर के आल्हा से क्या कहा कि तुम्हारे बेटे इंदल का उदल ने सर काट करके गंगा में बहा दिया। जादे माहिल, तो आल्हा ने कहा ऐसे कभी नहीं हो सकता है, मेरे बेटे का उदल सर नहीं काट सकते। उसने तो आल्हा ने क्या किया? उसने अपने बेटे अभय की कसम खाई और उन्हें विश्वास दिलाया कि उदल मछला दोनों पलंग पर पड़े थे, और इंदल ने जब देख लिया तो उदल और मछला ने सोचे कि ये राज खुल जाएगा, इसलिए इंदल का सर काट करके गंगा में बहा दिया। भगवान, इतना झूठा! आल्हा को बहुत कसम खाकर दिलासा दिलाया, तब आल्हा को यकीन आया। उदल लौट कर जब महल आए क्रोध में, आल्हा ने उदल को खंभे में बंधवा कर उनकी चमड़ी उड़वा दी और जल्लाद के हाथ सौंप दिया कि ले जाओ जल्लाद, इंदल के हत्यारे उदल का सर काट करके दोनों आंख और कलेजा लाकर मेरे सामने रखो। भरे दरबार में हरे बांस की मार पड़ी, जल्लाद जंगल में ले गया, और जब ही सर काटने को तैयार हुआ, उसके हाथ से तलवार छूट गई। और तो जल्लाद ने रहम खा करके उदल को छोड़ दिए हैं, और आज उदल मुसीबत में तुम्हारे पास आए हैं। ये बात है, तो एक बात ये बताओ दुर्गे माँ कि इंदल अभी जिंदा है? हाँ महाराज, इंदल अभी जिंदा है। तो इंदल मिलने की कोई तरकीब बताओ। हाँ मिलेगा, लेकिन बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी। क्या मुसीबत उठानी पड़ेगी? तुम और उदल और एक चेला, ये तीनों साधु का रूप धारण करें। मृगशाला, कमंडल, बाबा सन्यास बन करके तुम लोग जाओगे, बलक बुखारे अलग जगाओगे। और अच्छा। जब अलग जगाओगे, चित्रेखा तुम्हें महल में बुलाएगी, तुमसे भजन सुनेगी, तब जब भजन सुनाओगे खुश हो जाएगी, तो तुमसे कहेगी जो मांगना हो मांग लो। अच्छा दुर्गे माँ, तो तुम कुछ नहीं मांगना, केवल तोते का पिंजरा मांगना। ठीक है माँ, ऐसे ही करूँगा। धन्य हो माँ, जिस वक्त तुम मुझे सहारा दिया है, मैं जिंदगी भर आपकी आराधना पूजा करूंगा माँ। धन्य हो दुर्गे माँ, हराम जादे माहिर, तूने इतनी बड़ी चुंगली करके पूरा बंटा ढार करवा दिया। अगर सामने होता तो मैं हराम जादे का सर काट लेता। ठीक है दुर्गे माँ, ठीक है, चलो अपने वतन को माँ, अब मैं सब कुछ कर लूंगा। बोलो दुर्गे मैया की जय। अरे भाई,
भाई बड़ी जय जयकार हो रही, क्या बात है भैया? तो आप मुझसे आकर जो बातें बताए हैं क्या वो सब सत्य है? सब सत्य है। नहीं भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ, समय समय का फेर है, समय हो तो बलवान और भीड़ ने लूटा गोपियां वही अर्जुन वही। आपने कहा मछला फूला फुलवा का डोला ले गया दिल्ली पृथ्वीराज, हाँ तो क्या परमाल का कत्ल कर दिया, मेरा तेग ढेर और घोड़ा सब छीन गया, ये सब बातें झूठी हैं। ये सब बात सत्य क्या है मैं बता रहा हूँ। सत्य क्या है? आप अपनी भाभी मछला के साथ में इंद्र का मुंडन कराने के लिए बिठूर गए थे, वहाँ पे साथ में माहिल और डेवा थे, वहाँ पे इंद्र को जादूगरनी लोग तोता बनाकर उठा ले गई, माहिल ने आकर आल्हा से झूठा इधर उधर कसम खाया और कहा उदल ने इंदल का सर काट के गंगा में फेंक दिया, आल्हा ने आपको खूब मरवाया पिटवाया और जल्लाद के हवाले कर दिया, जल्लाद लेकर जंगल में गया और उसे ये मालूम हुआ कि आप निर्दोष हैं, वो तुम्हें छोड़ दिया, तब भागकर आप यहाँ आए हुए हैं और आप मुझसे तमाम झूठी झूठी बातें बता रहे हैं। ये सब बातें आपको कैसे मालूम? ये सब बातें मुझे दुर्गे माँ ने बताया है, जिनकी सेवा मैं 5 वर्ष का था तभी से करता हूँ। जब मेरे ऊपर कोई संकट पड़ता है तो दुर्गे माँ मुझे सहारा देती है। धन्य है माँ। क्या तुम्हारी माता जी ने यह भी बताया है कि इंदल अभी जिंदा है? हाँ बताया तो है कि इंदल अभी जिंदा है। तो क्या बता सकते हो कि तुम्हारी देवी यही बताए कि इंदल मिलेगा? यही तो मिलने की तरकीब नहीं बता पाई है। यानी तुम्हारी देवी सब कुछ बताई है कि जिंदा है और यहाँ है, लेकिन मिलने का उपाय नहीं बता? भैया जब दुर्गे माई ये इतना सब बता सकती है तो ये क्यों नहीं बताएगी कि मिलने की तरकीब क्या है? उन्होंने कहा है उदल मकरंद और साथ में एक चेले को लेकर साधु का भेष बनाकर बरख बुखारे जाए, वहाँ पे अभिनंदन की लड़की चित्ररेखा जिसका दूसरा नाम पनवा है वो उन्हें ले गई है, दिन में तोता बना कर रखती है, रात को जब उससे मोहब्बत करना होता है तो उसे मनुष्य बना लेती है। हम आप और एक चेले को लेकर चले वहाँ पे जोगी का भेष बनाकर और उन्हें भजन गीत सुनाकर उन्हें खुश करें, जब वो खुश हो जाएगी कहेंगी महात्मा लोग क्या चाहिए तो वही तोते का पिंजरा मांग लेंगे। ये बात है जी हाँ। तो चलिए मैं अपने बेटे के लिए जो कुछ हमें रूप धारण करना पड़ेगा मैं रूप धारण करूंगा, लेकिन इंदल को अगर नहीं लाऊंगा तो भाई भाई का कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है चलिए इसी वक्त चलिए चलो। अरे कर दो हमारा कल्याण हो गए पुजारी आके मड़िया खोला है माई, द्वारे पे खड़ा बा पुजारी आके मड़िया खोला है माई, केवड़िया खोला है माई, केवड़िया खोला है माई, द्वारे पे खड़ा बा पुजारी आके मड़िया खोला है माई। क्या है? वो तो मेरी बात नहीं मान रहा है। तुम्हारी बात नहीं मान रहा है? हाँ। अरे तो किसी तरह मनाओ उसे। अरे मेरी तरफ से तो भी कुछ, मैं क्या करूँ बोलो। चल कली कलकत्ते वाली मेरी बचन जाने खाली। क्यों क्यों? अभी तक एक थी दो, अभी तक एक थी फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच, अगर नहीं मानोगे ना तो इसे संख्या बढ़ती रहेगी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरे चाचा जी के पास मेरी माँ के पास तुम भेज दो, तुम लोगों की इसी में भलाई है। मेरे पास नहीं आओगे? दूर से बात करना, मेरे करीब मत आना समझी। अर्तनी माना राजा, तुम लोग पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारे प्यार में अर्तनी माना राजा हमरो कहानी माना, तनी माना क्या हो गया?
हाँ भगवान, इन लोगों को जाने क्या हो गया है, पागल हो गई ये लोग। तनी माना राजा हमरो कहनवाना, तनी माना राजा हमरो का हनवाना, तोके देव दुन तो के दे बेदुनो जब नाई नमेवाना, हमरा कहनवा राजा तू नहीं मन बसैया, तू नहीं मन मेरा कहनवा राजा तू नहीं मनबा सैया, तू नहीं मनबा, अब अपन खोई देबे मर जाओ, अपन खोई देबे फोकट में जनवा। मेरी जवनिया बर बद कल राजा जी बर बद कलना, हमारी करीब नहीं आना समझ लेना, हमारी जवनिया बर बद कल राजा जी बर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे करीब नहीं आना, नहीं आना। बांदी क्या हुआ? अरे तो काट रहा है। काट रहा? अरे भाड़ में जाए ऐसा ऐसा प्यार। अरे मेरी बात मान जाओ। अरमाने लजुल में जो बनेवा, माने लजुल में जो बनेवा, अचिरा सरक सरक जाला हो सरक सरक जाला, माने लजुल सरक। नहीं आना। आउता बलमुआ बुलाए जवानी, चाटे तमस्ती निकाल देता पानी, हर दम रगेला उतानी, हर दम रगेला उतान कंगना खनक अब चाहे जो कहूं। अगर अगर सीधी तरह से मान ही जाता तो ये हालत इसकी कैसे होती? इसी तरह ठीक रहेगा, चलो ऐसे ही ठीक रहेगा, लेके चलो। अरे फागुन माँ बाबा देवर ला गई फागुन माँ, फागुन माँ बाबा देवर ला गई फागुन माँ, फागुन माँ
वाले से कहीं जागवन न लई जाए। ए लागल फगुनवा बीतल जाए टोपी वाले से कहीं जागवन न लई जाए। ए पहली पठौनी ससुर जी आए पहली पठौनी नहु का देखे जी आ जर जाए। ए ओनहु का देखे जी आ जर जाए टोपी वाले से कही जागवन लई जाए। ए लागल फगुनवा बीतल जाए टोपी वाले से कही जागवन। थैसा वाले बबलू का कहां ता है वही जंगले मजान नगर के। अरे मर गई मर गई मर गई रे मोर जंगल मबकरी मर गई रे मर गई मर गई मर गई रे मोर जंगल मबकरी। ना बकरी बोलई ना बकरी टोलई ना बकरी बोलई ना बकरी टोलई मोरे खासी के रणुआ कई गई रे मोर जंगल मबकरी मर गई रे मोर जंगल मबकरी मर गई रे मोर जंगल। बबलू क्या करे बेईमानवा जदुआ डाला हो हमारी कोहलौरी मा। बेईमानवा जदुआ डाला हो हमारी कोहलौरी मा। लादई के पठे खैर सुपरिया लादई के पठे लादन गरम मसाला हो लागन गरम मसाला हो गई मनवा जदुआ डाला हो। ए मास्टर अरे गोरी हम के भुला गईलू अरे गोरी हम के भुला गईलू जाई के ससुररिया में। गोरी हम के भुला गईलू जाई के ससुररिया में। गोरी हम के भुला गईलू जाई के ससुररिया में। गोरी हम के भुला गोरी हम के भुला गईलू जाई के ससुररिया में। गोरी हम के भुला गईलू जाई के ससुररिया में। तू तो रोज मिलत रहलू हो तू तो रोज मिलत रहलू की ठावर बजरिया में। तू तो रोज मिलत रहा गाँव भुला गईलू मोर नाम भुला गईलू। मोर गाँव भुला गईलू मोर नाम भुला गईलू। तू तो रोज मिलत रहलू तू तो रोज मिलत रहलू धम्मौर बजरिया में। तू तो रोज मिल प्यारी भुला गईलू दीदार भुला गईलू। मोर प्यारी भुला गईलू दीदार भुला गईलू। ए तू तो रोज मिलत रहलू तू तो रोज मिलत रहलू आकी की भकरिया में। हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।